मॉर्निंग जी सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लर्न फ्रॉम, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और अभी हम दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है डीआई, और हम यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन की किस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और काफी इजी भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। तो आज हम एक पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट एक बार आए भैया, हेलो हाई, और वीडियो के बारे में कन्फर्म कर दो कि वॉइस और ऑडियो सही आ रहा है ना भैया, एक बार कंफर्म कर दो कि हाँ सर ऑडियो और वॉइस सब ऑल इज फाइन। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग जी। आप लोग सब कैसे और आपकी स्टडी कैसे चल रही, एक बार कमेंट कर दो। और कल एक स्टूडेंट ने मेरे को काफी स्क्रीनशॉट सेंड किए थे, देन आई विल शो यू। ओके चलिए जी, तो आप सबको पता है कि भैया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो यार। आप अभी भी मेरे को अलग से पर्सनल एसएमएस करके ये बोलते हो कि सर हमें व्हाट्सएप में ऐड करो, तो मैं क्या ऐड करूं जी, आपका लिंक मैंने दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जाके ज्वाइन हो जाओ। फुल नहीं है, खाली है, और अगर फुल होंगे मैं आज चेक कर लूंगा, मैं एक और व्हाट्सएप बना दूंगा ग्रुप। देखिए व्हाट्सएप भी है हमारे पास, इंस्टाग्राम भी है, और टेलीग्राम भी है, तो कितने सारे सोर्स हैं आपके पास ज्वाइन होने के। फिर भी अगर आप ज्वाइन नहीं हो रहे तो वो कोई मेरा इशू नहीं है। चलिए जी, देखिए आपके काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे, और आप काफी ज्यादा क्वेश्चन हो, आप काफी कंफ्यूज हो, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस बार संडे को हम एक क्लास करेंगे टॉक। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो क्लास लाइव होगी, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम फॉर्म के बारे में कि सर मैं क्या करूं, पीएचडी कहां से करूं, तो सारे डाउट आप इस क्लास में मेरे से पूछ लेना, ठीक है जी। और ये क्लास होगी दोस्तों 2 बजे से, ये क्लास 2 बजे होगी, ठीक है। और ये कब होगी, संडे को होगी, जहां पर आपके कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ लेना। क्या हो रहा है, काफी स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे काफी मैसेज आते हैं सर हम क्या करें, कमेंट भी आते हैं। तो देखिए एवरीथिंग का लाइक पॉसिबल नहीं है कि मैं आंसर दे पाऊं, तो हम ये लाइव क्लास करेंगे। वो काफी कॉमन डाउट होते हैं, जो डाउट अभी मेरा आई थिंक वो आपका भी हो सकता है, तो वहां पर हम यहाँ पर जो लाइव क्लास होगी हमारी संडे को वहां पर बात करेंगे। तो हमारी संडे को 2 लाइव क्लास होगी, एक तो होगी दोस्तों 11 बजे, जहां पर हम पूरा कवर करेंगे कि हमने इस वीक में क्या पढ़ा है, और एक होगी दोस्तों 2 बजे जहां पर हम डाउट क्लास करेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट है, तो ये आइडिया कैसा है, आई थिंक आइडिया के बारे में एक बार कंफर्म कर दो, हाँ कि सर काफी अच्छा आइडिया है, हम ये चीज कर सकते हैं, प्लीज टेल मी कि हाँ सर दिस इज गुड या बैड, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर आइडिया अच्छा है, हम ये चीज कर सकते हैं। देखिए डाउट काफी आते हैं, जब मैं स्टूडेंट था या अभी भी मेरे पास काफी डाउट आते हैं, तो वो डाउट के आंसर हमें मिलना जरूरी है, ठीक है। तो 2 बजे क्लासेस होगी, 2 क्लासेस होगी उस दिन, 11 बजे और 2 बजे, और वही जो मेरा पुराना वाला चैनल है, ठीक है दोस्तों, उसको भी यार जाके यार सब्सक्राइब कर लो, UGC नेट वाला मेरा चैनल है, लिंक आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लो, उस दिन वहां पर ही क्लासेस होगी। व्हाट्सएप ग्रुप फुल नहीं है यार, खाली है, ठीक है। चलिए जी,
अब देखिए, कल मैंने आपको बोला था कि किन किन स्टूडेंट ने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, तो कल मेरे पास 3-4 स्क्रीनशॉट आए, तो अभी तक मैंने 2 ही अपलोड किए जी। तो देखिए दोस्तों, स्टूडेंट ने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, आप भी ऐसे अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हो जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से इन्होंने नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल मार्कर यूज करके, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि हाँ, तो आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। देखिए जब लास्ट टाइम एग्जाम में दोस्तों में नोट्स की काफी जरूरत होती है, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग जो आप नोट्स बनाओगे वो काफी यूजफुल होगा, और जो मैं नोट्स दूंगा वो इतना यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि जो आप नोट्स बनाओगे तो आपको हर चीज पता होगी। ठीक है, तो वो भी एक है। चलो अच्छा है, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया नोट्स बनाना, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो एक बार बनाना स्टार्ट कर दो। और दोस्तों जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यार वीडियो को लाइक कर दो, और जो नए स्टूडेंट आए प्लीज उनसे बोलना चाहूंगा कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी, सब करो। अब देखिए मैंने आपको बोला था, हमारी एक स्टूडेंट है, उन्होंने दोस्तों फर्स्ट टाइम पे ही अपना नेट क्लियर किया है, ये रहा उनका स्क्रीनशॉट। कल हमारी उनसे बात हुई थी कॉल पे, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैम आई वांट योर इंटरव्यू, तो उन्होंने यस कर दिया है, यस। तो जल्दी आपके लिए एक अच्छा सा इंटरव्यू आगा, और दोस्तों इन्होंने फर्स्ट टाइम पे ही नेट पास कर लिया था, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए जी, आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, एक बार इसको अच्छे से कर लो रीड। हाँ जी, मैं पता है मैम आपकी कोचिंग है, अभी आपके घर पे बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, आई नो वेल अबाउट इट। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है कि 10 स्टूडेंट है, उनके दोस्तों साइंस का एग्जाम हुआ है और 100 नंबर का पेपर था, तो स्टूडेंट कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हैं स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट है यहां पर। ठीक है, अब देखिए, तो ये एक बार इसको देख लो, 10 स्टूडेंट के नंबर हैं, ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्कोर बाय द स्टूडेंट, कि दोस्तों यहां पूछा गया है कि स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना होगा। ठीक है, एवरेज मार्क्स पूछा है यहां पर स्टूडेंट का, तो चलिए आंसर दें, ये रहा क्वेश्चन। दोस्तों एवरेज क्या होगा इन सबका, एवरेज फाइंड आउट कीजिए। एवरेज फाइंड आउट करो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सारे स्टूडेंट का एवरेज कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट आ जाते हैं देखिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला है कि 5 में से 5 जो क्वेश्चन आपको सही करने, और आपके 10 नंबर बिल्कुल फ्री में आ जाएंगे। एक बार यार वीडियो को लाइक कर दो, 49 स्टूडेंट लाइव है और इतने कम लाइक, क्यों, क्या गलती कर दी मैंने। आंसर आया 71, ओके, ओमकार जी भैया का 71 आंसर आया है, देखते किन किन के आंसर आते हैं अभी तक। राजीव भैया का 76.4, 68.4, आई थिंक राजीव भैया का आंसर सही है, बिल्कुल 76.4 इज राइट आंसर, यस 76.4 राइट आंसर। वो कैसे है, चलिए जी देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू दोस्तों, 78, 60, 75, 89, 53, 99 और 85 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 74। तो पहले हमें ये देखना है कि नंबर कितने हैं, तो यहां पर हमें नंबर दिए गए 10, ठीक है भैया, चलो 10 है पूरे, एवरेज फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों 10 में से फाइंड आउट नहीं करना है जी एवरेज, ठीक है, काफी स्टूडेंट ये ही गलती करते हैं, आपको फाइंड आउट करना है 100 में से, तो 100 और ये हो गया 10, तो कितना हो जाएगा टोटल 100, ठीक है, आ रहा है, आ रहा है क्या भैया समझ में, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है,
अब देखिए इसका अगर आप दोस्तों टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 4 7 6 4 और कितने स्टूडेंट 10, तो जीरो से यहाँ आ जाएगा दोस्तों पॉइंट और आपका आंसर आ गया 76.4। बहुत ही सिंपल आंसर था, आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दो भैया, लाइक कर दिया करो। जो क्या होता है ऑफलाइन स्टूडेंट जब ये वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ अच्छी क्लास हुई है, इसलिए मैं बोलता हूँ, और कुछ ही नहीं यार, आप भी काफी समझदार बच्चों। चलिए जी अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, देखिए आईसीडीएमई क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से ही सारे ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर मार्क्स फ्रॉम मोर देन एवरेज मार्क्स, यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन कि जो एवरेज मार्क्स आया है उसमें कितने स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स से ऊपर आया है। अब वो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, मोर देन यानी ज्यादा। अब हमारा एवरेज मार्क्स क्या है, ये लो जी देख लो, एवरेज मार्क्स से भी हमारा 76.4। अब देख लो, चलिए जी आंसर दोस्त का, गुड मॉर्निंग, लेट ना होए, देखिए लेट नहीं होना है आपको, ठीक है। वाओ दिस वेरी नाइस आंसर, काफी जल्दी आंसर दिया, 5G है इनके पास, 5G स्पीड का यूज कर रहे हैं। चलिए जी 5 स्टूडेंट बहुत ही कॉमन आंसर था, 76 हमारा एवरेज है, जो भी हमने फाइंड आउट किया था एवरेज कितना हमारा 76। अब देखिए 76 के ऊपर एक हो गया, ठीक है भैया, दो हो गए, तीन हो गए, 4 5, तो कितना आंसर आएगा इसका, 5 आंसर। बहुत ही सिंपल था, हेकर वाली क्लास अभी नहीं हो रही भैया, हेकर वाली हमारी अगले चैनल पे होती है। 7 कैसे आंसर आ रहा है, 7 आंसर आएगा नहीं मैम, वो ये पूछ रहा है कि मोर देन 76 से मोर देन पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है 5 आंसर आएगा। चलिए जी अगला है ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, सबसे लोएस्ट मार्क्स यहां पर पूछे गया है, देख कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लोएस्ट मार्क्स यहां पर पूछा गया है। चलिए जी इसका आंसर दें, लोएस्ट मार्क्स सबसे कम नंबर किसका है, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, लाइक एंड शेयर प्लीज। डी आंसर आ रहा है यहाँ पर, डी मतलब आई, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देखिए सबसे कम नंबर यहाँ पर पूछे गए, देखिए यहाँ पर सबसे कम पूछे गए, तो सबसे कम वाला भी है 50 आई है उसके, क्यों आंसर क्यों आएगा, ओ लेट ना होए, आई थिंक आप तो रोजाना मैम टाइम पे आते हो, आज लेट कैसे हो गए, चलो कोई ना, इश्यू सबके पास होते हैं। हाँ जी आई इसका राइट आंसर आएगा, आई इज राइट आंसर। चलें अब देखिए यहां मैं पूछ रहा हूं कि ए का कितना परसेंट नंबर आए दोस्तों, ए के कितने आए, बी के कितने आए और सी के कितने आए, तो चलिए जी आंसर दो, ए और बी और सी के, सर हिंदी में नहीं होता क्या एग्जाम, भैया देखिए एग्जाम हिंदी में भी होता है, पेपर दोनों में आएगा, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। ए बी सी का कितना परसेंटेज आए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए, 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। नहीं सर अभी देखिए सेट का भी, हाँ कुछ जो फर्स्ट पेपर ऐसा ही होता है, तो आप ये चीज भी कवर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल आंसर, आपको थोड़ा दिमाग यूज करना है। यस
यस दिस इज वेरी कॉमन सेंस। देखिए आपको क्या पूछा है, देखिए 100 में से इसके नंबर आए एक 78। अब अगर देखिए आपको अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करके बताऊं तो क्या आएगा दोस्तों, 78 100, 0 से 0 गया तो 78। दिस कॉमन सेंस दोस्तों, अगर 100 का पेपर है और 100 में से नंबर आ रहे हैं तो आपके जितने नंबर आए उतना ही आपका एवरेज होता है। तो इसका हो गया 78, इसका 60, इसका 75। अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे 40 नंबर आए तो मेरे कितने वही परसेंटेज नंबर आए, तो आपका आंसर आना चाहिए 40। वेरी इजी, ओके, दिस इज नॉट बिग डील। 54 स्टूडेंट देख रहे, लाइक करने में पता नहीं इनका कौन सा बैंक खाली हो रहा है। ठीक है, चलिए जी। ओ आज 3 ही है क्या क्वेश्चन, चलिए कोई ना, हम अभी क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर एक एवरेज का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मान के चलिए आपका एग्जाम हुआ 300 का। ठीक है, आपका एग्जाम हुआ 300 का, फर्स्ट पेपर में आपके आए यहां पर दोस्तों 56, सेकंड पेपर में आए आपके 50। अब आपको बताना है कि आपके कितने परसेंटेज नंबर आए दोस्तों। ये एग्जाम्पल है आपका नेट एग्जाम का। ठीक है, मान के चलिए आपका 300 का पेपर होता है, 300 में से दोस्तों फर्स्ट पेपर में आपके आए 56 नंबर जो आपके लिए अच्छे स्कोर है, और अगर सेकंड पेपर में आए 130 तो आपका कितना परसेंटेज हुआ। चलिए जी आंसर दो जल्दी, कौन आंसर देगा। 62, वेरी नाइस, काफी जल्दी आंसर दिया मैम आपने। मैम आपकी कोचिंग लेट नहीं होगी तो यू डोंट वेरी। चलिए भी एक ही आंसर आया 62 MTRG का भी। देखिए बहुत कॉमन सेंस वाला भी था ये क्वेश्चन, पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को कर लेंगे प्लस। ठीक है, तो ये दोस्तों प्लस मैंने किया, 6 इधर आ गया, 8 आ गया, 189 आ गया, 186। पेपर कितने का होता है दोस्तों हमारा 100 एंड 200 प्लस 300 डिवाइड 100, 0 से ये गया भैया 0 बार। ठीक है, आप देखिए 180 ये गया 3, तो ये हो गया दोस्तों 6 और ये हो गया 2, 62 आंसर। चलिए जी सबका आंसर सही है भैया। अब देखिए अगर आपके दोस्तों नेट में 62 बन जाती है तो आई थिंक आपका नेट पास हो जाएगा। तो बस यही आपको अपना जो प्लान है फ्यूचर का वो बना लो कि मेरे को फर्स्ट पेपर में कितने नंबर लाने हैं और सेकंड में, तो मेरा प्रॉमिस है कि आपके दोस्तों 75 वो नंबर फर्स्ट पेपर में आ जाएंगे। यस, अगर आप जैसे मैं आप चल रहे हो अभी इसी स्पीड से और फर्स्ट पेपर की बुक में दोस्तों जल्दी करवा दूंगा, अभी चल रहा है उस पर काम। ठीक है, और सेकंड पेपर की बुक आप मार्केट से परचेज कर ले, ऑनलाइन देख ले, कहीं ना कहीं से हर चीज का आपके पास सोर्स हो जाएगा। 57 स्टूडेंट लाइक, ओनली 43 लाइक्स, व्हाट हैपन टू यू, क्या प्रॉब्लम है भैया, सबको कर दो लाइक यार। सर पेपर में बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सर आप हमें उस लेवल के क्वेश्चन दे। देखिए जी अभी हम लेवल छोटा करेंगे क्योंकि नए स्टूडेंट हैं, जो भी फर्स्ट टाइम स्टूडेंट यहाँ पर आए उनको भी पता नहीं है। अब हम धीरे धीरे बाई चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे, फिर पाई चार्ट पे जाएंगे। तो लेवल ऑफ द पहले फर्स्ट क्लास होती है, फिर सेकेंड होता है। देखिए मैम ये भी लास्ट ईयर वाला ही क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2015 का है, ये देखिए 15 का है ये क्वेश्चन, और ये मैंने मेरी जो बुक से वहां से परचेज किया है, तो उस चीज पे ध्यान ना दें। और अगर आपको पता होगा जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सोल्व किए थे हार्ड किए थे, बट देखिए एग्जाम इजी हार्ड आता ही है। ठीक है, हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रहे थे हम, हाँ तो ये जो मैम थी दोस्तों इनका फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्लियर हो गया है और इनका इंटरव्यू आपके लिए जल्दी आ जाएगा। ये मैम आपको एक्सप्लेन करेगी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है।
क्या बात है, क्या कमेंट है सर, अभी 2021 चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। लेवल हाई हो गया है मैम, बट अगर आप देखोगे यूजीसी के 7 दिन एग्जाम चलते हैं और एक शिफ्ट में 2 पेपर होते हैं, तो कितने हो गए, 14 पेपर। अब 14 पेपर में से जरूरी नहीं है कि हार्ड पेपर ही आएगा, ठीक है मैम, जरूरी नहीं है कि पेपर हार्ड ही आए। अगर आप 14 पेपर सेट करोगे तो जरूरी नहीं आप पेपर हार्ड ही सेट करें, ठीक है। और गलती होती मैम वो इजी में ही होती है। कंप्यूटर साइंस की क्लास बहुत जल्दी होगी, सो यू डोंट वेरी, ठीक है। तो ये मैम का इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो चलिए देखते हैं अभी क्या सीन होता है। और ये हाउस वाइफ है तो उसके कारण थोड़ा सा अभी इश्यू नहीं होगा, और क्वेश्चन करवाए, ठीक है। 3 क्वेश्चन और हमारे पास क्वेश्चन भी नहीं, वेट 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 वेट, आई विल सी, वेट, जाना मत कोई भी। कोई भी स्टूडेंट जाएगा नहीं, हिंदी में तो है यार, हिंदी में ही है सारे क्वेश्चन। हाँ जी भैया, अब आ जाओ। जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें सोल्व करना है, लो आपके लिए एक क्वेश्चन, ठीक है। सर इंग्लिश का क्या करे, 2 पेपर है ईयर में, नाम याद करने ही अलग जा रहे हैं। सर 2 बजे जो क्लास लोगे वो भी फर्स्ट पेपर का ही होगा। देखिए चलिए और क्वेश्चन कल सोल्व करेंगे, टाइम हो गया और ऐसे काफी डाउट आ रहे हैं। देखिए ये जो संडे आएगा ना हमारा, उस दिन दोस्तों आपकी 2 क्लासेस होगी 11 बजे, जहां पर हम पूरा जो भी डाउट अभी तक किया है, इस वीक जो भी हमने किया है वो हम सारा कवर करेंगे। और 2 बजे दोस्तों क्लास होगी जहां पर हम डाउट के बारे में बात करेंगे, जो भी आपके डाउट है वो लाइव क्लास होगी। तो आपको जैसे भी आप डाउट अभी ना करें, ठीक है, क्यों अभी डाउट करते तो जो भी हमारा फ्लो होता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो ये सारे डाउट है आपके उस एग्जाम में लाए, ठीक है। हाँ जी, तो ये 11 बजे क्लास होगी सुबह, और ये दिन में होगी, और ये मेरे यूजीसी वाले चैनल पे होगी, ठीक है। क्या क्या है कमेंट, सर इंग्लिश, सर 2 बजे वाली क्लास ठीक है, सर उनकी क्लास कब होगी। देखिए यहाँ पर ओनली फर्स्ट पेपर की क्लास होगी, तो अभी हमारा फर्स्ट पेपर ही चल रहा है। सर फर्स्ट पेपर का कमीशन भी कराओगे ना आप? हाँ जी, सारा मैं ही कराऊंगा सर। आप सर, सर पेपर 10 में क्या क्या सिलेबस आता है, कुछ नहीं पता जी मेरे को। देखिए किसी को अगर पूरा पता नहीं क्या क्या सिलेबस आता है, तो मैंने आपको नो सेंड कर दिया गया है सिलेबस, या आप हमारी वेबसाइट पे से जाके डाउनलोड कर लो पूरा, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस हमारी वेबसाइट पे से। हिंदी वाली कब होगी, देखिए हिंदी की क्लास अभी कितनी बार समझाऊं, यहाँ पर अभी फर्स्ट पेपर की ही क्लास हो रही है, सेकंड पेपर की जल्दी हो भी सकती है, नहीं हो भी सकती। हाँ जी मैम, अच्छी बुक है, काफी अच्छा है कंटेंट, वहां भी आप उसको भी रीड कर सकते हैं। नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे से मिल जाएंगे, मेरे को पता था स्टूडेंट के से क्वेश्चन आएंगे। देखिए हमारी वेबसाइट है दोस्तों UGCNET.com पे आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है नोट्स फर्स्ट पेपर पे, ठीक है। तो ये एड आ रहा है, इस पर अगर क्लिक करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। और आप जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करोगे, सारे नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो अपने फोन में, एक फोल्डर बना लो, वहां पर सारे सेव रख लो, ठीक है भैया। डाउट क्लियर, सिलेबस पता है मेरे को, बस चेंज नहीं होनी चाहिए डाउट। बाय सर, बाय फ्रेंड, ओके भैया जाओ, जिनको जाना, मेरा भी 5 मिनट है, फिर क्लास खत्म करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करा दीजिए। देखिए मैम मैं आज और लेके नहीं आया क्वेश्चन,
अपन कल लेके आएंगे। कल एक मैम का डाउट था, उन्होंने सेंड किया है मेरे को क्वेश्चन, कल मैं वो अपन कल वो ही सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए मैम, एक तो समझ में नहीं आता मैम है कौन यहां पर। देखिए अभी हम पूरा कवर ये करेंगे कि क्या क्या एग्जाम में आएगा, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस मार्च तक हो जाएगा हमारा या अप्रैल तक, उसके बाद रोजाना दो दो घंटे की हमारी क्लासेस हो या करेगी लाइव क्लास है, जहां पर हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपने क्या पूछा? देखिए जी, थैंक यू सर, डाउट बहुत हेल्प हो रही है, ठीक है। तो नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर लो, और जो संडे आएगा उस दिन हम डाउट क्लास कर लेंगे, सारे डाउट कौन से बुक लेनी है, कौन अप्लाई कर सकता है, वॉट एवर जो भी होगा मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट क्वेरी, चार मिनट वी है। और दोस्तों आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो जाके, दोस्तों इंस्टाग्राम पे यार फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, फिर भी कोई डाउट क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वेलकम सबको यार, बस आप एक बार जेआरएफ ले आओ, एनटीए की वेबसाइट पे देख लो या मेरी वेबसाइट पे देख लो, कहीं भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। हाँ जी, जो भी डाउट है वो संडे को क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, सारे इसी चैनल पे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और कोई डाउट क्वेरी, तीन मिनट यार, देखिए 48 हो चुके, दो दो लाइक कर दो। और मैम प्लीज सब टाइम पे आए, 11 बजे क्लास होती है, ठीक है। ठीक है, तो संडे को हमारी क्लास होगी, अब देखते हो लाइव क्लास हो पाएगी 2 बजे या नहीं, ठीक है। यार वीडियो को लाइक कर दो, 40 स्टूडेंट देख रहे हो, 40 के 40 लाइक कर दोगे तो काफी अच्छा होगा। और जल्दी ही दोस्तों हम फेस वाली भी क्लास करने वाले हैं, आई थिंक जल्दी हो जाएगी, फेस के साथ आएंगे हम, ठीक है। और देखिए जो भी सीन होगा हमारे डाउट क्लास का, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से पूरा सीन कंप्लीट कर दूंगा। मैम सॉरी मैम, अभी टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को ऑफिस भी जाना है, तो टाइम हो चुका है। लाइक कर दिया करो, बार बार कहने की नीड नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जी, कल हम काफी ज्यादा सोल्व करेंगे, कल हम स्टार्टिंग से ही सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, कल कुछ ऐसे ही हम अलग वाले लेके आएंगे आपके लिए क्वेश्चन। चलिए जी, जाओ पढ़ो अच्छे से, फिर भी कोई डाउट क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या मेरे को व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हो कोई डाउट हो तो, और डाउट क्लास हम करने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।